बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुजम्मिल अय्यूब। बतौर डॉक्टर एक चीज का मुशाहदा हमने किया है कि मुख्तलिफ क्लिनिक और हस्पतालों में जो मरीजों का हजूम आपको दिखाई देता है उसमें ज्यादातर मरीज मौसमी बीमारियों से मुतासर हुए होते हैं, तो क्यों ना हम चंद एहतियाती तदाबीर अपना कर खुद को और अपने बच्चों को इन मौसमी बीमारियों से बचा सकें। इसके साथ साथ अपने बच्चों में मौसमी बीमारियों से बचने और सेहत को बरकरार रखने के लिए शऊर उजागर करने की भी कोशिश करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपने बच्चों से गुफ्तगू शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस बार बार आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी लास्ट मंथ जो अक्टूबर का गुजरा है, आपको पता है कि आप सब लोग उस महीने में बारी बारी बीमार होते रहे, ठीक है? आप सबको खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, गला दर्द, ये चीजें चलती रही, ठीक है? कुछ बच्चे कम बीमार हुए हैं, कुछ ज्यादा बीमार हुए हैं, कुछ जल्दी ठीक हुए, कुछ देर से ठीक हुए। तो जो ज्यादा बीमार हुए वो स्कूल भी नहीं जा सके, आपके साथ खेल भी नहीं सके, आपके साथ गपशप भी नहीं कर सके, ठीक है? स्कूल से कितनी छुट्टियां, स्टडी भी डिस्टर्ब हुई, खेल भी नहीं सके, सिर्फ बेड रेस्ट करते रहे। तो ऐसा क्यों हुआ? हम कौन सी बातों को फॉलो करना भूलते हैं? कौन सी बातों को फॉलो करना भूल गए हैं जिसकी वजह से हम ज्यादा बीमार हो गए? ये बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे मेरा ख्याल है कि उन बातों को ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे। हाँ बेटा, ये बात मुकम्मल कर लेते हैं ना, फिर एंड पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो सरदार ने फिर कहा कि हम एक दोबारा एक मीटिंग करते हैं, उसमें ये सारी बातें डिस्कस करते हैं ताकि सब बच्चे जो है वो अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रख सकें, ठीक है? तो आज हमने उन्हीं बातों को दोबारा से जो है वो हमें डिस्कस करना है। बहुत सी बातें आपको पहले से भी पता चल चुकी हैं। हमारी सेहत को ठीक रखने में पहला पॉइंट ये है, ये टिप है, बहुत बड़ा हेल्थ टिप है कि आपने अपने हाथों को साफ सुथरा रखना है। ना सिर्फ खाना खाने से पहले, बल्कि खाना खाने से पहले हम हाथ धोते हैं ना, इसके अलावा जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं घर से और घर वापस आते हैं तो हमने अपने हाथों को आके सबसे पहले धोना है। आप स्कूल से वापस आते हैं, आप मस्जिद से नमाज पढ़ के वापस आते हैं, आप बाहर खेल के अंदर घर के आते हैं, आप बस मार्केट बाजार जा रहे होते हैं वहां से वापस आते हैं, तो बाकी बात जहां भी जाते हैं मुख्तलिफ चीजों को टच करते हैं, और वो जहां जहां आप टच करते हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे आप जाते हैं, वहां पर इन सारी जगहों पे चीजों पे जर्म्स लगे होते हैं, ठीक है? हो सकता है किसी ने खांसी करके तो वैसे ही अपने हाथों से ऐसे उसने खांसी की हो, जब उसके हाथों में लगे हो उन्हीं चीजों से उसने उन चीजों को टच किया हो, उन्हीं चीजों को फिर आपने टच कर लिया, जब आपकी बॉडी तक आ गए फिर आप बीमार हो गए, ठीक है? इसलिए अपने हाथों को हमने साफ सुथरा रखना है, ठीक हो गई बात? खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, और घर से बाहर जब भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, जब वापिस आएंगे तो सबसे पहले हाथ अपने धोएंगे साबुन के साथ। हाथ धोने का तरीका हमने आपको पहले बताया हुआ है, आज हम वो तरीका जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? वो अगर जरूरत होगी किसी को नहीं तो वो हम अलग फिर जो है ना वो आपको बताते हैं। पहली बार कौन सी फॉलो करनी है? हाथों को साफ रखना है। वॉश किस को हाथ धोने? ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि हमारे हाथ किस पर गंदे होते हैं? जब देखो बाहर आप कहीं पे टच कर रहे हैं, इसके अलावा जब आप बीमार होते हो, आपने इस तरह खांसी की है, देखो आप खांसी कैसे करते हो, ठीक है? ये देखो आपने खांसी की, आपके हाथों में जर्म्स लग गए, अब आप इन्हीं हाथों के साथ कोई चीज पकड़ेंगे या पकड़ाएंगे, किसी के साथ सलाम लेंगे तो जर्म्स उसे भी लग जाएंगे, ठीक है? इसलिए खांसी ऐसे नहीं करनी, खांसी ऐसे करनी जैसे खिजर ने अभी बताया। कैसे? अपना मुंह जो है अपनी एल्बो में इस तरह छुपा लेना है, थोड़ा सा सर झुकाएं और मुंह को ऐसे छुपा, और मुंह दूसरी तरफ हो जाए तो और बेहतर है, ठीक है? क्योंकि हमारी एल्बो तो कहीं पर भी टच नहीं करनी, इसके साथ तो हम कोई भी काम नहीं कर रहे, काम तो हाथों के साथ कर रहे हैं, हमने हाथों को साफ रखना है।
इसी तरह जब आपको छींक आती है तो छींक आते हुए भी हमने अपना मुंह इस तरह एल्बो में कर लेना, ठीक है। ये बात हो गई। इसके अलावा जब भी आप बीमार होते हैं आपने मास्क लगाना है, आपने अपने साथ साथ दूसरे बहन भाइयों का, अपने दोस्तों का, क्लास का उसका भी ख्याल रखना है। जब किसी को खांसी आती है, कोई बीमार होता है, तो आपने कोशिश करनी है अपने बहन भाइयों से थोड़ा सा फासला रख के बैठना है, डिस्टेंस रख के बैठना है। क्लास में और घर में तो हम ऐसे बैठते हैं जैसे अभी मिलके बैठे हुए हैं। जब आप बीमार होंगे, खुदा ना खास्ता खांसी आती है, गला खराब होता है, तो हमने थोड़ा एक दूसरे से दूर बैठना होता है, ठीक है। वो बच्चा मास्क लाजमी लगाएगा और घर के अंदर जब आप मिलके बैठे होंगे अपने घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ, उस वक्त मास्क लगाएंगे। स्कूल जाएंगे क्लासरूम में तब मास्क लगाएंगे, घर से बाहर जब भी जाएंगे बेशक आप बीमार नहीं हो तब भी आप मास्क लगाने की आदत बना रहे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आप जब खांसी कर रहे होंगे मास्क लगा होगा तो दूसरों को जरासीम नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ये बात सीखें कि हमने अपने दोस्तों को और अपने बहन भाइयों को वो बीमारी नहीं लगने देनी जो हमारी हमें शुरू हो चुकी हुई है। जैसे आपको खांसी हुई, ठीक है, आप मास्क लगा के तो आप थोड़ा सा फासले में बैठेंगे, साथ नहीं बैठेंगे, थोड़ा फासला रखे भी तो बैठ जाएंगे, ठीक है। मिलकर सारे काम करें, क्लासरूम में भी अलग टेबल पे बैठे हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ मिलकर नहीं बैठेंगे, उनसे सॉरी करेंगे कि मेरी आज तबीयत खराब है तो आज मैं अलग बैठना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी खांसी के बारे जो बीमारी है वो आपको भी लग जाए, इसलिए मैं अलग बैठ रहा हूँ, ठीक है। कुछ उस दिन जब भी तबीयत खराब होगी तो दोस्तों के साथ या घर में आपने खेलना भी नहीं है, या वो गेम खेल लें जहाँ पे आप थोड़ा दूर दूर बैठ के खेल सके। मिलके जो है वो गेम खेलने वाली जो एक्टिविटी है वो कुछ दिन हम नहीं खेलेंगे ताकि रेस्ट भी मिल जाएगा और जरा से भी दूसरों को नहीं लगेंगे, ठीक है। दो बातें हमने कर ली, पहली बार हाथ धोने वाली, दूसरी बार मास्क वाली। अगली बात यह है कि जब भी आप बीमार होंगे आप वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, हाँ सादा पानी जो है वो आप पीते रहें। जब आपको खांसी लगती है, जब आपको बुखार होता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। लेकिन ये बात का ख्याल रखना है कि आपने बर्फ वाला, फ्रिज वाला ठंडा पानी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, डिब्बे वाले जूसेस नहीं पीने, सादा पानी पीना, ठीक है। अगर आपका पेट खराब है, आपके लूज मोशन लगे हुए हैं, फिर आप जो है वो निम्बोल वाला ORS वाला पानी पी लें, या आम पानी जो घर वाला होता है, बॉयल वाटर होता है, वो आप ज्यादा नहीं डाल सकती हैं, ताकि जितना आपको मोशन लगे हुए हैं पानी निकल रहे ना जिसम से जाया हो रहा है वो हमारा साथ साथ पूरा होता रहे, ठीक है। अगली बात ये है कि आपने प्रॉपर रेस्ट करना है जब आप बीमार होंगे, ठीक है, साइड पे बैठना है और प्रॉपर रेस्ट करना है, ठीक हो गया। जब चेस्ट खराब होती है मैं तब जब जब मुझे सांस लेने तब मैं अकेले बैठता हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है। इससे अगली बात ये है कि आपको जो भी ट्रीटमेंट शुरू करवाई जाती है वो आपने ट्रीटमेंट पूरी करनी है। मामा आपको मेडिसिन खिला रही होती है, आप बार बार जो है वो दो दिन खा के कहते हैं कि अब मेरी तबीयत ठीक है, मेडिसिन हमने नहीं लेनी। कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं ना, ठीक है। तो पांच दिन के लिए या जितने दिन के लिए भी मेडिसिन डॉक्टर साहब ने आपको बताया होता है कि ये पूरी करनी है, आपने उतने दिन पूरी ट्रीटमेंट लेनी है, बेशक आपकी तबीयत ठीक भी हो जाए, ठीक है बात। अच्छा, अब आपने कोई बात पूछनी है तो मुझसे जरूर पूछें। अगर हम पांच मिनट खाना खाने से पहले हाथ धो लें और फिर हम कहीं पे बैठे हो टच भी ना करें तो फिर भी हम दोबारा हाथ धो लें? नहीं, कोई नहीं, वैसे खा लें, जरूरत नहीं है। तो फिर हाँ, कहीं ऐसी जगह पे आपको लगे कि कहीं गंदी जगह पे आपने टच किया तो फिर जरूर धोएं, ठीक है। टॉयलेट से निकलने के बाद आप लाजमी लगा करें, खाना खाने से पहले आप लाजमी लगा करें। जी मुआज बड़े पापा, आजकल डेंगू बहुत ज्यादा है तो हम बच्चे डेंगू की वजह से बीमार हो रहे हैं। जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। तो डेंगू के लिए आपने ये करना है कि आपने घर के अंदर डेंगू जो है वो भी एक जरासीम और बीमारी का नाम है, ठीक है। तो ये मच्छर के लिए फैलता है, इसलिए आपने मच्छर के काटने से बचना है। उसका तरीका ये है कि आपने फुल स्लीव शर्ट पहननी है और जब घर से बाहर आप जाते हैं कहीं पे खुली जगहों पे, मार्केट जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो आपने मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन, जो मॉस्किटो लोशन होता है, वो आपने लगा के जाना है। इसके अलावा आपने अपने रखे हुए हैं घर में टेरेस
बर्ड्स भी आपने रखे हैं, आपने बर्ड्स को पानी पिलाने के लिए आपने बर्तन रखे हुए हैं, उसमें आप पानी डालते हैं, खाना रखते हैं ना डेली, ठीक है, उसमें से पानी डेली जो है वो निकाल दिया करें और नया पानी जो है वो भरा करें, ठीक है। मॉस्किटो जो है वहां पे डेंगू का जो है वो पैदा होता है, वहां पर अंडे देता है। और इसके अलावा घर में कोई ऐसी जगह जहां पर आप देखें कि पानी किसी जगह पर मुसलसल खड़ा है कई दिनों से, ठीक है, उन जगहों को आपने जो है पानी नहीं खड़ा होने देना। ऐसे हमने डेंगू से बचना है जी। बड़े पापा ना, हमें टॉयलेट के अंदर भी डेंगू आ सकते हैं, उन टॉयलेट के अंदर या फ्रश के अंदर आते हैं अंडे ले करते हैं, तो हमने उनके ऊपर चादर डाल दी और हमने उनका कवर बंद कर दिया। हाँ नहीं, टॉयलेट में आमतौर पे नहीं आते क्योंकि टॉयलेट का पानी तो चलता रहता है ना, टॉयलेट का पानी तो चलता रहता है, तो डेंगू अंडे वहां पर देता है जहां पर पानी मुसलसल खड़ा रहता है कुछ दिनों से। तो टॉयलेट का पानी जो है वो तो मुसलसल चलता रहता है, मुसलसल यूज में आता है ना, पिछला पानी निकल जाएगा आगे फिर आ जाएगा, तो वहां पे जो है वो कम चांसेस होते हैं कि वहां पर अंडे देगा। जहां पर पानी बेटर ज्यादा खड़ा रहता है ना, वहां पर डेंगू का मच्छर जो है वो अंडे देता है और वहां से फिर उसके बच्चे पैदा होते हैं, वहां से फिर भी बीमारी फैलती है। जुम्मे वाले दिन नाखून काटा करे सुन्नत तरीके से, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब मूसा ने कुछ पूछना था। बड़े बाबा, नाखून से हम पोटी भी साफ करते हैं जब हम फ्रेश जाते हैं, तो फिर क्योंकि हमें अपने नेल्स अपने दांतों से भी खाना चाहिए, न फिर हमें पेट में दर्द हो सकती है ना, और हमें जुम्मे को नेल्स काटने चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे। अब मुझे जब मेरे ऑनलाइन क्लास हुई थी तब लॉन्ग मार्च था, जब वेडनेसडे हो रहे थे, टीचर ने मुझे होमवर्क दिया था उर्दू का कि हमें सफाई की अहमियत, फिर उसमें हमने वो एक डायलॉग रटे लेते उर्दू में उसको कुछ कहते हैं, जैसे एक बंदा मूसा है और मैं हूँ, अगर हम एक दूसरे में बातचीत करते हैं तो उसमें सफाई की अहमियत के बारे में बताना था, तो फिर उसके फिर अली देखता है कि अहमद के नाखून भरे हैं और वो कई दिन से नहाए भी नहीं और मुंह से बदबू आ रही है, फिर हम उसको बताते हैं कि नाखून काटे, जब हमारे नाखून में जो गंद फंसता है जब हम खाते हैं तो वो हमारे पेट पे जाता है और नुकसान पहुंचाते हैं, और जब हमारे दांत गिर जाते हैं दांत को नुकसान पहुंचता है और कोई पास पे नहीं बैठता बदबू की वजह से। ये तो रूटीन की सफाई की बातें हैं ना, रोजाना धोना, नहाना, नाखून काटना, शावर लेना, नए कपड़े चेंज करके पहनना, ये तो रूटीन की सफाई की बातें हैं, ये तो आप हमें डेली करनी है जी बेटा। अगर नाखून खाएंगे नाखून में कीड़े होते हैं, अगर हम खाएंगे तो वो हमारे पेट में चले जाएंगे, कीड़े नहीं होते जो फंस जाते हैं वो फिर अंदर चले जाते हैं, ठीक है बेटो, समझ आ गई बात की, फॉलो करेंगे ना ताकि हम कम बीमार हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।